जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो बात करेंगे नव वर्ष 2025 की। 2025 का साल कैसा रहने वाला है आम जनता के लिए, एक जनरल प्रेडिक्शंस जो होती हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है होम पेज पे, जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आपको जरूर देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 मूलांक एक वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो हमने एक सीरीज शुरू करी है, इस सीरीज में आप बहुत इजीली अपने मूलांक के अनुसार जान सकते हैं कि 2025 का साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और आपके लव्ड वंस के लिए कैसा रहेगा। तो जान लेते हैं मूलांक एक वालों के लिए 2025 क्या कुछ खास लेके आया है अपनी किस्मत के पिटारे में। तो यदि आपने किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्म लिया है तो आपका मूलांक बन जाता है एक। और एक नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सूर्य को। सूर्य और मंगल की हम ये कहेंगे कि दुश्मनी नहीं मानी जाती है, तो ये मंगल का साल है। हालांकि अगर इस साल को देखा जाए तो 225 नंबर हमें मिल रहा है। 5 नंबर जो होता है वो संतुलन बनाने का काम करता है। तो इस दौरान जो है आप लोग थोड़ा इमोशनल भी रहेंगे, क्योंकि 2 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 नंबर रिपीट हो रहा है, बैलेंस बना करके चलेंगे। मगर वहीं पे जो 9 नंबर आ रहा है, जो मेन अंक आ रहा है मंगल का साल, ये जो है आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाला है। व्यापार की बात करें, नौकरी की बात करें, तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये साल बेहद ही अच्छा रहेगा। आप कोई भी शुरुआत करेंगे, कहीं से भी शुरुआत करेंगे, इनफैक्ट अगर आप कुछ नया भी कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप अपने आप को इस तरह से दिखाएंगे इस साल जैसे आप कहीं लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। यानी कि होता है ना, जैसे बहुत जो एजुकेटेड पर्सन होता है, जो वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, उस तरह से आपकी छवि लोगों के सामने आएगी, आपके काम में बढ़ोतरी होगी। चाहे आप इस वर्ष कभी भी काम खोल लीजिए, मगर उसमें आपको तरक्की डेफिनेटली मिलने के चांसेस हैं। दूसरी चीज, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन लोगों को नौकरी की समस्या इस साल हल होगी। मगर यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने जो शब्द हैं उसके कारण ही आप लोग अपना नुकसान कर सकते हैं। तो इस साल अगर आप मुंह खोल रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि जहां आपने अहंकार या क्रोध दिखाया वहीं पर आपका काम फ्लॉप हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके रिश्तों की, तो रिश्ते इस दौरान काफी हद तक अच्छे रहेंगे। आप अपने से जो आपके छोटे बहन भाई हैं उन लोगों का सपोर्ट जरूर करेंगे, और उनसे अगर रिश्ते आपके बिगड़े हुए थे तो वो इस दौरान सुधरने की पूरी पूरी उम्मीद बन रही है। वहीं पर अगर देखा जाए तो इस समय पे आपके पारिवारिक रिश्ते भी बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी चीज को लेकर के अगर परेशानी आपको आ रही थी, हर्डल्स आ रहे थे, तो वो चीजें अब परिवार से संबंधित खत्म हो जाएंगी, और जो पारिवारिक रिश्ते नहीं सुधर रहे थे वो अब सुधरने में आ जाएंगे। यानी कि सारी चीजें इस समय पे बैलेंस हो जाएंगी। 5 नंबर जो है वो इस साल आपको बैलेंस रखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पर्सनल रिलेशनशिप की, तो पर्सनल रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है, मगर आपके क्रोधित होने के कारण कुछ चीजें जो है डिसबैलेंस रहेंगी। ओवर इमोशनल होकर के आप अगर गुस्से में आकर के किसी भी चीज को, कि आप जो है अपने पार्टनर को उल्टा सीधा बोल देते हैं किसी भी चीज के लिए, तो वो बहुत गलत रहेगा। मेरा यही कहने का शुरू से मोटिव है आप लोगों के लिए कि इस वर्ष जो है कोई भी बात करे, किसी भी तरह की, बहुत सोच समझ के आपको बातचीत करनी है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है डेफिनेटली। इसके अलावा हेल्थ की बात करें, हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी। कुछ चीजें जो है, जैसे जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उन लोगों को थोड़ा इस समय पे ध्यान रखने की जरूरत है। हार्ट से रिलेटेड ट्रबल्स इस दौरान आप लोगों को आ सकती हैं, तो आप जो है अपने खाने पीने पे इस समय पे ध्यान रखें। जो लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा पहले से ही बीमार चल रहे हैं, लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, उन लोगों के लिए ये साल थोड़ा जो है
कम हेल्थ प्रॉब्लम्स देगा, यानी कि इस साल आपकी हेल्थ बेटर होगी। मगर जिन लोगों की बेटर है, उन लोगों को जिन चीजों के लिए मैंने बताया है, उन चीजों के लिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये तो रहा आपका ऑल ओवर न्यू ईयर प्रेडिक्शन फॉर रूट नंबर वन, मूलांक एक के लिए। अब यहाँ पे रेमेडीज की बात करें थोड़ी बहुत अगर, तो देखा जाए यहाँ पे रेमेडीज जो है आपको क्या करने की जरूरत है पूरे वर्ष भर। देखिए पूरे वर्ष में बहुत सारे त्योहार आते हैं, बहुत सारे रेमेडीज आप देखते हैं, बहुत सारी रेमेडीज हम भी आपको बताते हैं, मगर एक चीज आपको इस वर्ष नहीं छोड़नी है और वो क्या है, आप सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाइए। जिस दिन जल छूट जाता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से दोबारा शुरू कर दीजिए चढ़ाना। और जब भी इस वर्ष में नवरात्रे आएंगे, चैत्र नवरात्रे आएंगे, शारदीय नवरात्रे आएंगे, दो बार गुप्त भी आते हैं, अगर आप गुप्त नहीं पूजा करना चाहते तो कोई बात नहीं, चैत्र और शारदीय नवरात्रे में इस दौरान आप कोशिश कीजिएगा व्रत जरूर रखिएगा। अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि 9 दिनों माता की पूजा अर्चना जरूर करें। ये उपाय जरूर कीजिएगा, आपके लिए ये साल मंगलमय रहे, यही मनोकामना है हमारी। 2 मूलांक के लिए दूसरी वीडियो अपलोड है, आप वो देख सकते हैं हमारे ही YouTube चैनल पे। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके भेजिएगा, और नए साल से रिलेटेड और क्या कुछ आप देखना चाहते हैं वो भी लिख के भेजिएगा, हम आपके लिए जरूर हमारे YouTube पे अपलोड करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय श्री राधे।